हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। होपफुली आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ इंडियन वीकली मील प्लानिंग अलोंग विद सम प्री प्रिपरेशन आइडियाज़। और आज का वेदर काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ब्राइट सनी डे है, तो मैंने सोचा क्यों ना इस वीडियो की शुरुआत घर से बाहर आकर, बैकयार्ड में आकर की जाए, क्योंकि वेदर इज़ रियली गुड। सो इसीलिए वीडियो यहीं से शुरू हो रहा है। और इस वीडियो में जो भी छोटी मोटी तैयारियां मैं करती हूँ अपने मील को प्लान करने के लिए दो छोटे बच्चों के साथ, वो सब आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एंड आई एम श्योर इसमें से कुछ ना कुछ तो आप लोगों के लिए ज़रूर यूज़फुल होगा। और वीडियो शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो मील प्लानिंग एक ऐसा टॉपिक है जो हमेशा से ही मैं बहुत फैसिनेटेड होती थी, जब कोई मील प्लानिंग वीडियो देखती थी या फिर कोई मील प्लानिंग आर्टिकल पढ़ती थी, मुझे लगता था वाह यार लोग कैसे कर लेते हैं, सारा कुछ प्रिपेयर करके रख दिया बॉक्सेस में और इस डे को ये बना दिया, इस डे को ये बना दिया, फाइल्स एंड फोल्डर्स, तो बहुत ही फैसिनेटिंग लगता था। तो फिर मैंने भी ना बहुत तरीके से मील प्लानिंग ट्राई किया जब सिया छोटी थी, एंड ट्रस्ट मी गाइस नथिंग वर्क्ड फॉर मी। कई बारी मैंने ट्राई किया कि पूरे मंडे टू फ्राइडे की वेजीज कट करके रखो, तो क्या हुआ कि मुझे ना पर्टिकुलर डे में जिस दिन वो वेजी बनानी होती थी उस दिन उसका मन ही नहीं करता था बनाने का। इट डिपेंड्स ऑन माई मूड, मेरी कुकिंग ना मोस्टली मेरे मूड पर भी डिपेंड करती है। तो कई बार ऐसा होता था कि हम बाहर ही खाने चले गए, कई बार फ्रेंड्स के साथ कुछ प्लान बन गए, तो हम लोगों के ना ऐसे सडन प्लान्स हमेशा बनते हैं। तो मेरी जो वेजीज थी ना, कट हुई वेजीज, उस पर्टिकुलर डे में बन ही नहीं पाती थी और फिर मुझे ना वो एक्सटेंड करना पड़ता था। कई बार ऐसा हुआ कि जो मेरी वेजीज हैं, कट वेजीज या प्रिपेयर्ड जो हैं, वो सब खराब हो गई। सो मेरे ख्याल से मील प्लानिंग का जो बेसिक पर्पज है वो यही है कि हमारा मनी सेव हो, हमारा टाइम सेव हो और हमारा प्रेशर ना हो दिमाग में। लेकिन अगर मील प्लानिंग करने से ऐसा लग रहा है यार इस दिन ये बनाना है, बहुत ही प्रेशर सा फील हो रहा है, तो डेफिनेटली ऐसी मील प्लानिंग का कोई फायदा नहीं है। तो मैंने ना मील प्लानिंग टोटली स्टॉप कर दी, मैंने फिर नहीं की। आफ्टर द बर्थ ऑफ माई सेकेंड बेबी, उसके बाद 2.5 months तक मेरी मॉम थी यूएस में मेरे पास। मैं यहाँ करंटली यूएसए में रहती हूँ, जो नए सब्सक्राइबर्स हैं उनको बता दूँ, अपने दो बेटियों और हस्बैंड के साथ। तो मेरी मॉम 2.5 months के लिए मेरी हेल्प करने के लिए आई थी जब मेरी सेकेंड बेबी है उसका बर्थ हुआ। उसके बाद मेरी मॉम जब वापस चली गई, देन आई रियलाइज इट वॉज गेटिंग सो डिफिकल्ट फॉर मी, घर का खाना, काम एंड मैनेजिंग ईच एंड एवरीथिंग। वीकेंड्स पर मेरे हस्बैंड मेरी हेल्प करते हैं, बट ऐसा नहीं है कि वीकडेज में भी वो कर सकते हैं, उनका ऑफिस का भी बहुत काम होता है, कॉल्स एंड अलॉट ऑफ थिंग्स, तो वीकडेज में तो डेफिनेटली मुझे ही मैनेज करना पड़ता था। मैंने क्या किया, कुछ कुछ मील प्लानिंग जो है वो फॉलो की अपने लाइफस्टाइल में, एंड फाइनली आई गॉट टू नो कि हर किसी का मील प्लानिंग का तरीका अलग हो सकता है। तो मैंने कुछ कुछ चीज़ें हैं जो फॉलो की और मुझे बहुत हेल्प मिली। फाइनली सब कुछ मेरे शेड्यूल में हो चुका है। तो बहुत बातें हो गई गाइज, चलिए मैं आप लोगों से ना फटाफट जो जो आइडियाज जो मैं फॉलो करती हूँ वो शेयर कर देती हूँ। सो गाइज चलिए शुरू करते हैं पहले ब्रेकफास्ट रूटीन से। सो ब्रेकफास्ट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मील ऑफ द डे एंड आई टोटली ट्राई टू फॉलो इट इन माई मील प्लान, बट एवरी डे सेम ब्रेकफास्ट करना थोड़ा सा मोनोटोनस हो जाता है और मेरे हस्बैंड को एवरी डे थोड़ा डिफरेंट ब्रेकफास्ट करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। सो मुझे हमेशा सोचना पड़ता था कि आज ब्रेकफास्ट मैं क्या बनाऊँ, आज क्या बनाऊँ, बट नाउ आई एम अ मॉम ऑफ टू किड्स, तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है और मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं ब्रेकफास्ट में नई नई रेसिपी बनाऊँ रोज। सो मैंने मंडे टू फ्राइडे का ब्रेकफास्ट मेन्यू फिक्स कर दिया है और वीक में दो बार मैंने पराठा रखा है, आप देख सकते हो, क्योंकि पहले मैं सैंडविच बनाती थी इसकी जगह और मेरी बेटी को सैंडविचेस पसंद नहीं थे तो मुझे उसके लिए पराठा बनाना ही पड़ता था। सो उस टाइम को जस्टिफाई करने के लिए मैंने सिंपली दो दिन फिर पराठा ही कर दिया है। और यहाँ पे ब्रेकफास्ट मेन्यू में मैंने जो भी ऑप्शन रखे हैं वो ऐसे ऑप्शंस हैं जिसमें मेरा हाथ एकदम सेट हो गया है और मैं बहुत जल्दी उन्हें बना देती हूँ और मुझे सुबह मॉर्निंग में किचन में आने में सोचना नहीं पड़ता कि आज क्या बनाना है। और ये मेन्यू मैं लास्ट 2 months से फॉलो कर रही हूँ, अभी तक हम लोग इस मेन्यू से बोर नहीं हुए हैं, पर जब हमें लगेगा कि अब ये मेन्यू थोड़ा बोरिंग हो गया है तो मैं इसे फिर से चेंज कर दूंगी। एंड ट्रस्ट मी गाइस, हाफ ऑफ माय प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड जब से मैंने ब्रेकफास्ट का मेन्यू फिक्स कर दिया है। फिक्स है, एवरी डे आके मुझे बस वो बनाना है, अब तो मुझे देखना भी नहीं पड़ता क्योंकि मुझे एवरी डे का याद हो गया है कि इस दिन ये बनना है, इस दिन ये बनना है। सो ब्रेकफास्ट जो है इसको हमने सॉल्व कर दिया, लेट्स मूव ऑन टू द अदर पार्ट ऑफ द वीडियो। सो बेसिकली मेरा मील प्लान स्टार्ट हो जाता है संडे आफ्टरनून या फिर संडे इवनिंग को, जैसे भी मुझे टाइम मिल जाए। संडे इवनिंग को यहाँ मैंने आलू बीन्स की सब्जी बना दी है और आटे का डो जो मैंने संडे के डिनर के लिए प्रिपेयर किया था वो मैंने एक्स्ट्रा प्रिपेयर किया है सो दैट मंडे ब्रेकफास्ट एंड मंडे लंच तक सफिशिएंट हो जाए। ऑल्सो मैं दही भी सेट कर देती हूँ संडे को, लेकिन मैंने फ्राइडे को ही दही जमाया था और उसमें से काफ़ी दही है अभी, तो मुझे दही जमाने की ज़रूरत नहीं है। आई मेक श्योर कि मैं किचन को नाइट में क्लीन करके सोऊँ
ऑल्सो मैंने छोले सोक कर दिए हैं ओवरनाइट, तो वो मैं देखती हूँ किस दिन बन जाएंगे। और यहाँ मैंने अपनी बेबी का फूड भी बनने के लिए रख दिया है जो मैं उसे मंडे मॉर्निंग खिलाऊंगी। तो ये सारी प्रिपरेशन मैंने कर ली हैं। सो गाइज़, यहाँ मेरे मंडे मॉर्निंग की शुरुआत हो रही है बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी लेवल के साथ, क्योंकि मैंने काफ़ी प्रिपरेशंस ऑलरेडी कर रखी हैं। सो आई एम नॉट रनिंग बिहाइंड द टाइम। और यहाँ मेरे ब्रेकफास्ट की तैयारी हो गई है, कड़क सी अदरक इलायची वाली चाय बनने के लिए रख दी है मैंने। और पैन में मैं थोड़ी आलू बीन्स की सब्ज़ी गर्म कर लूँगी और गर्मा गर्म पराठे सेक लूँगी। सो ये है मेरा ब्रेकफास्ट और ये है मेरी बेटी का ब्रेकफास्ट। जो हम लोग खाते हैं मैं उसे वही सर्व करती हूँ, और वो जो हम लोग खाते हैं वही खाना सीख रही है। पहले मैं उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बनाती थी, तो अब मेरे पास टाइम भी नहीं होता, और अगर बनाती भी हूँ तो वो सेम क्वांटिटी खाती है। सो इट्स बेटर कि जो हम खाते हैं मैं उसे वही हैबिट डाल रही हूँ। और उसके लिए मैंने थोड़ा सा दूध गर्म करके उसमें बॉर्नविटा डाल दिया है। और मेरा और हस्बैंड का ब्रेकफास्ट सेम था, इसलिए मैंने उसकी कोई क्लिप नहीं ली। और अब मैं छोले अच्छे से वॉश करके 2-3 बार और उसको मैं प्रेशर कुकर में कुक कर लूँगी, और कूल होने पर एयर टाइट डब्बे में रख दूँगी। और उसको प्रेशर कुकर में कुक करने के लिए मैं इसमें एक टी बैग ऐड करूँगी, एक बे लीफ और थोड़ा सा सॉल्ट, और इसमें 7-8 विसल लगा लूँगी सो दैट ये अच्छे से डन हो जाएँ। और अब हम आगे बढ़ते हैं मंडे लंच की तरफ। सो मंडे लंच में मुझे कोई और बहुत ज़्यादा कुकिंग नहीं करनी है, आलू बीन्स की सब्ज़ी मैंने ऑलरेडी बना के रखी हुई है जो आपने देखा ब्रेकफास्ट में, और रोटियां सेक लूँगी मैं ऑल्सो, क्योंकि सूखी सब्ज़ी है लंच में, तो मैं रायता बना लूँगी अपने लिए और हस्बैंड के लिए, और मेरी बेटी को मैं दही में थोड़ा सा शुगर डाल के ही दूँगी, उसको ऐसे पसंद है। तो ये हो गया है मेरा लंच, और मेरे हस्बैंड का और मेरा लंच सेम ही रहा। मेरी बेटी के लिए भी मैंने यही सर्व किया है, ऑल्सो उसकी दही में मैंने थोड़ी ब्राउन शुगर डाल दी है, आजकल हम लोग ब्राउन शुगर यूज़ कर रहे हैं। सो ये है हमारा लंच आज का। एंड गाइज, मूविंग ऑन टूवर्ड्स मंडे डिनर। सो मंडे डिनर में मैं यहाँ आलू के पराठे बना रही हूँ। आलू के पराठे मैंने संडे ब्रेकफास्ट में बनाए थे, या फिर आप कह सकते हो ब्रंच में, तो स्टफिंग थोड़ी एक्स्ट्रा ही बनाई थी मैंने, क्योंकि मुझे लग रहा था दोबारा मैं यूज़ कर लूँगी अगर बनाई रही हूँ तो मंडे के डिनर के हिसाब से, तो मैंने थोड़ी स्टफिंग जो है एयर टाइट डब्बे में निकाल के रख दी थी। सिया के लिए अलग स्टफिंग है, हम लोग अपनी स्टफिंग में मिर्च वगैरह डालते हैं, हरी मिर्च, तो सिया के मुँह में हरी मिर्च आ जाए तो फिर वो बहुत पानी पीती है, बिल्कुल खाना फिनिश नहीं कर पाती है, तो इसलिए मैं अवॉइड करती हूँ उसको हरी मिर्च देना। तो ये है हमारी स्टफिंग सिया की, और मैं गर्मा गर्म पराठे सेक लूँगी। आटे का डो फिनिश हो गया है इसलिए मैंने और आटे का डो मार लिया है इस हिसाब से कि नेक्स्ट डे एक टाइम हो जाए, और कई बारी सिंपली आटे का डो मारना काफ़ी बोरिंग सा हो जाता है, तो कभी कभार मैं ऐसे सीड्स डाल देती हूँ, कभी अजवाइन कभी कलौंजी, ये हेल्थ के लिए भी अच्छे हैं, और सिंपली बोरिंग सा अगर लग रहा है फॉर अ चेंज इस तरह से कुछ कुछ डिफरेंट करेंगे तो काफ़ी अच्छा लगता है। सो मंडे डिनर तक का रूटीन हो गया है, अब बढ़ते हैं हम लोग ट्यूसडे की तरफ। सो ट्यूसडे को मैंने ब्रेकफास्ट में पोहा बनाया है और साथ में चाय, तो एवरीडे बनती है। ब्रेकफास्ट में मैंने अपनी बेटी को पोहा दिया है, साथ में मिल्क दिया है आधा ग्लास, क्योंकि अदरवाइज़ वो चाय मांगती है, और उसको मैंने फ्रूट भी कट करके दे दिए हैं। और पोहा बनाने के लिए मैं कोई प्री प्रिपरेशन नहीं करती हूँ, क्योंकि काफ़ी जल्दी बन जाता है। लंच के लिए जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा ब्रेकफास्ट के बाद, तो मैं छोले बना दूंगी जो मैंने ऑलरेडी बॉयल करके एयर टाइट डब्बे में फ्रिज में रखे हुए हैं। सो जैसे ही टाइम मिलेगा छोले का मसाला तैयार करके छोले बना देने हैं। जब भी मैं छोले, राजमा, पनीर या कोई ऐसी चीज़ बनाती हूँ जिसमें थोड़ा टाइम लगता है बनने में, एज़ वेल एज़ फैमिली को पसंद भी है, तो मैं क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा बना देती हूँ सो दैट लंच और डिनर दोनों में हो जाए वो, और मैं एवरीडे की जो कुकिंग होती है पूरे दिन की कुकिंग लंच डिनर की, उससे फ्री हो जाऊँ। सो ये है मेरी बेटी का लंच, छोले हैं, थोड़े से राइस ले लिए हैं, साथ में एक कटोरी दही ले ली है, और आजकल हम लोग ब्राउन शुगर यूज़ कर रहे हैं। और ये है हमारा लंच, मेरा लंच और मेरे हस्बैंड का लंच ऑलमोस्ट सेम है। सो ट्यूसडे को मैं थोड़ा सा लंच के बाद टाइम निकाल कर थोड़ी प्री प्रिपरेशन कर दूंगी वेडनेसडे के लिए, तो भिंडी वॉश करके एयर ड्राई करके और कट करके पेपर टावल लगा के एक एयर टाइट डब्बे में रख लूँगी सो दैट वो लंच के लिए हो जाए नेक्स्ट डे के लिए। और भिंडी बन के थोड़ी कम हो जाती है तो मेरे ख्याल से लंच और डिनर के लिए नहीं हो पाएगी, मुझे ऐसा लगा, इसलिए मैं थोड़ी सी तैयारी और कर देती हूँ। मैं उड़द की दाल है वो बॉईल करके रख दूँगी, सो शाम को जब हस्बैंड होंगे तो बच्चों को देख रहे होंगे उस टाइम पे फटाफट से उड़द की दाल में तड़का मार दूँगी। आटे का डो रेडी करने का मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला तो वो मैं कल ही कर लूँगी मॉर्निंग में। और छोले काफ़ी अच्छे बने थे सो अब डिनर की टर्न है। सो मैं रोटियाँ बनाने वाली थी लेकिन हस्बैंड बोले कि चलो पूड़ियाँ ही बना लूँ, तो यहाँ पर अब डिनर में छोलों के साथ मैं पूड़ियाँ बना रही हूँ, सो हस्बैंड हेल्प कर रहे हैं, सो डिनर हो जाएगा गर्मा गर्म छोले जो मैं गर्म कर लूँगी गैस पे और साथ में पूड़ियाँ।
सो वेडनेसडे मॉर्निंग शुरू होती है यहाँ पे। ब्रेकफास्ट में मैंने बनाया है एग ऑमलेट। समटाइम्स मैं एग ऑमलेट बना देती हूँ, कभी एग भुर्जी बना देती हूँ। ऑल्सो चाय तो कॉमन है ही, एवरीडे बनती है। सो ये है हमारा ब्रेकफास्ट, एग ऑमलेट और चाय। और मैंने अपनी बेटी के लिए भी ऑमलेट बनाया, सो केचप के साथ उसको ऑमलेट सर्व किया। उसके ऑमलेट में मैंने प्याज और हरी मिर्च वगैरह ये सब नहीं ऐड किया था। लंच में मैंने फटाफट से भिंडी बना दी है, भिंडी वॉश करके कट करके ऑलरेडी रखी हुई थी। सो गाइज, इट हार्डली टेक्स टाइम टू गेट प्रिपेयर्ड, और बहुत ही एक्टिव फील होता है जब ऑलरेडी चीज़ें तैयार हैं, आपको बस फटाफट से छौंक लगाना है। सो ये हो गया है मेरा लंच तैयार। और सूखी सब्जी के साथ मैं कोशिश करती हूँ कुछ थोड़ा पतला हो साथ में, जैसे कि रायता हो या फिर दाल हो। तो यहाँ पर मैंने रायता भी बना दिया है भिंडी के साथ, तो हमारा लंच रेडी हो गया है। नाउ कमिंग ऑन टू डिनर। सो डिनर की मैंने जैसे बताया था, भिंडी जो है वो डिनर तक नहीं हो पाएंगी क्योंकि कम हो जाती है बन के। सो डिनर में मैंने यहाँ पर उड़द की दाल जो है उसका तड़का तैयार करके फटाफट से गर्मा गर्म उड़द की दाल बना दी है। सो डिनर हो गया है हमारा उड़द की दाल, रोटी है और थोड़ा सा सैलेड। और वेडनेसडे का डिनर फिनिश करने के बाद अब जल्दी से मैं थोड़ी सी तैयारी कर देती हूँ थर्सडे के लिए, क्योंकि बच्चे छोटे हैं इसलिए मुझे थोड़ी तैयारी ज़रूर करनी ही पड़ती है। सो यहाँ पर मैं गोभी के फ्लोरेट्स जो हैं वो कट करके रख दे रही हूँ कल के लिए। साथ में दाल जो है वो थोड़ी बच गई है, वो मैंने एयर टाइट डब्बे में रख दी है। ऑल्सो मैं आटे का डो अभी तैयार करके रख रही हूँ, क्योंकि बाकी तैयारियाँ भी कर रही थी तो एनर्जी लेवल हाई था, तो मैंने सोचा आटे का डो भी तैयार करके रख देती हूँ। सो ये सब है। ऑल्सो मैं जब तक ये सारा काम कर रही थी तो मैंने पास्ता भी कुकर में, प्रेशर कुकर में थोड़ा सॉल्ट और ऑयल डाल के बॉयल होने के लिए रख दिया। तो मेरा थर्सडे का जो पूरा रूटीन है वो डन हो चुका है। सो नाउ दिस इज़ थर्सडे मॉर्निंग, और ब्रेकफास्ट में मैंने बनाया है ब्रोकली पास्ता। सो सिया को भी मैं यही दूंगी। और ब्रोकली आजकल मैं ये वाली यूज़ कर रही हूँ जो ऑलरेडी प्री वॉश्ड आती हैं और फ्लोरेट्स में कट होती हैं, सो इट्स वेरी इजी टू यूज़। और पास्ता मैंने बॉयल कर दिया था रात को ही, ब्रोकली मेरे पास थी ऑलरेडी, ये तो मेरा जल्दी से बन गया। और लंच में मैं फटाफट से आलू गोभी छौंक दूंगी। अगर गोभी के फ्लोरेट्स ऑलरेडी कट हों तो आलू गोभी बनाने में मुझे बिल्कुल भी लेजीनेस फील नहीं होती। और साथ में आज मैंने रायता नहीं बनाया है क्योंकि कल की लेफ़्ट ओवर दाल रखी हुई है, तो वो मैं पैन में गरम कर लूँगी। सो ये हो गया है हमारा थर्सडे का लंच। सो सबका लंच सेम ही था हम तीनों का। और डिनर में भी मैं आलू गोभी की सब्ज़ी और रोटियाँ सेकूँगी, क्योंकि सब्ज़ी काफ़ी बच गई थी क्योंकि दाल भी साथ में ली थी, तो आलू गोभी की सब्ज़ी काफ़ी है जो डिनर के लिए सफिशियंट है। सो ये हो गया है हमारा डिनर। सो गाइज, नाउ मूविंग ऑन टू फ्राइडे। फ्राइडे की मैं कोई प्रिपरेशन मोस्टली तो नहीं करती हूँ, क्योंकि हस्बैंड ऑफिस थोड़ा लेट जाते हैं तो मुझे मॉर्निंग में टाइम मिल जाता है, तभी मैं ब्रेकफास्ट बनाती हूँ और लंच की थोड़ी प्रिपरेशन करती हूँ। सो लंच भी मैं आराम से ही बना लेती हूँ फ्राइडेज़ को, क्योंकि हस्बैंड का मोस्टली टीम लंच होता है तो वो कभी लंच के लिए आते हैं कभी नहीं आते। और फ्राइडे इज़ अ रिलैक्स डे फॉर मी, क्योंकि मुझे वीकेंड वाइब्स फील होती हैं थोड़ी सी। फ्राइडे को यूजुअली पनीर की सब्ज़ी बनाती हूँ मैं, या फिर मोस्टली तो ऐसा ही होता है कि पनीर की सब्ज़ी बनाती हूँ। तो आज फ्राइडे में मैंने ब्रेकफास्ट में बनाया पराठा, और मेरे पास ब्रोकली रखी थी तो मैंने वो सॉटे कर ली थोड़ा सा सॉल्ट और ब्लैक पेपर डाल के। और ऑल्सो चाय तो थी कॉमन, और इसके अलावा लंच में मैंने बनाई मटर पनीर की सब्ज़ी। सो एवरीबॉडी इन माय फैमिली लव्स पनीर, तो फ्राइडेज़ को मैं यूजुअली मटर पनीर या कोई और भी पनीर की सब्ज़ी, पालक पनीर, एनीथिंग, जो पनीर मोस्टली मैं बनाती हूँ। तो ये हो गया मेरा फ्राइडे का रूटीन। और चलिए अब मैं आप लोगों के साथ कुछ रैंडम प्री प्रिपरेशंस जो मैं करती हूँ वो शेयर कर देती हूँ। सो आई मेक श्योर कि मैं अपने नाइफ़ को शार्पन कर दूँ, जो भी किचन के मसाले हैं उन्हें रीफ़िल कर दूँ। धनिया साफ़ करके रखना पेपर टावल लगा के बिना वॉश किए, क्योंकि मैं अपनी कुकिंग में धनिया का काफ़ी यूज़ करती हूँ गार्निश करने में, और धनिया काफ़ी अच्छी खुशबू देता है खाने में। आई ऑल्सो मेक श्योर बॉयल एंड कीप सम मिल्क रेडी फॉर माई डॉटर, सो दैट जब देना हो तो जस्ट वार्म करके दे सकूँ, पूरा बॉयल करना कूल करने का जो काम है वो ना हो। एंड आई ऑल्सो मेक श्योर जो भी चीज़ें फिनिश हो रही हैं उन्हें मैं रीफ़िल कर दूँ, और ये काम किचन का रेगुलर काम करते करते थोड़ा सा टाइम निकाल के मैं कर देती हूँ। जो चीज़ें फिनिश हो गई हैं नेक्स्ट वीक की ग्रॉसरी लिस्ट में मैं ऐड ऑन कर देती हूँ। अगर नेक्स्ट वीक कुछ स्पेशल बनाने का मन है तो उसके लिए जो भी इन्ग्रीडियंट्स वगैरह चाहिए होंगे वो भी मैं अपनी नेक्स्ट वीक की ग्रॉसरी लिस्ट में लिख देती हूँ। बैंगन का भरता मैं बनाना चाहे कभी भी हो, जब भी टाइम मिलेगा किचन का रेगुलर काम करते करते अवन प्री हीट करके बैंगन को मैं रोस्ट कर दूंगी और ठंडा करके एयर टाइट ग्लास में रखूंगी। ट्रस्ट मी गाइस, बैंगन का भरता बनाने में आपको कभी लेजीनेस फील नहीं होगी अगर आप इस तरह से रोस्ट करके एडवांस में रखोगे, और आप इसके कभी भी इसको बना सकते हो।
एंड आई ऑल्सो मेक श्योर कि मैं एक बार में दो टाइम का आटे का डो प्रिपेयर करके रख दूँ, और मेथी भी साफ़ करके रखती हूँ मैं. जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं मेथी साफ़ करके और उसे पेपर टावल लगा के एक बॉक्स में रखती हूँ बिना वॉश किए, क्योंकि मेथी को बनाने में इतना टाइम नहीं लगता जितना उसे साफ़ करने में लगता है. और अगर कमिंग डेज़ में मुझे राजमा चावल बनाने हैं तो मैं राजमा ओवरनाइट सोक करके बॉयल करके एयरटाइट डब्बे में रख लूँगी. और मेरी 7 मंथ्स की बेबी है तो मैं अपनी बेबी के लिए जो फ़ूड बनाती हूँ वो मैं टाइमली ही बना लेती हूँ, सो दैट इससे पहले कि वो रोना स्टार्ट करे मेरे पास कुछ हो उसे सर्व करने के लिए. पहले मुझे बीन्स बनाना काफ़ी हेक्टिक काम लगता था, जब से मैंने एडवांस में थोड़ा सा टाइम निकाल के बीन्स को वॉश करके थोड़ा एयर ड्राई करके चॉप करके ग्लास बॉक्सेस में रखना शुरू किया है, बीन्स बनाना हैज़ बिकम सो ईजी फॉर मी गाइज. और इसलिए मैं बीन्स अब फ्रीक्वेंटली बनाती हूँ. पहले ये सारे काम से बचने के लिए मैं बीन्स थोड़ा कम ही लाती थी. पत्ता गोभी भी एडवांस में कट करके ही रख सकते हैं, ख़राब नहीं होती है, 3-4 दिन पहले तक कट करके रख सकते हो आप. करेला जल्दी ख़राब नहीं होता, आप इसे वीकेंड पे बना के रख सकते हो, और करेला थोड़ा ऑयल में बनता है तो आप इसे एज अ साइड डिश खा सकते हो अपनी दाल के साथ या किसी सब्जी के साथ. कट करके भरवा करेला बना सकते हो या फिर रिंग्स की फॉर्म में बना सकते हो, जस्ट टू मेंशन हेयर. वैसे तो मैंने कहा था कि मैं अपनी बेटी को वही सर्व करती हूँ जो हम खाते हैं, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं बच्चे नहीं खाते, जैसे कि करेला हो गया, कटहल की सब्ज़ी हो गई, थिंग्स लाइक दैट. तो मैं अपनी बेटी को करेला सर्व नहीं करूँगी बिकॉज आई नो शी विल नॉट ईट इट. पालक को भी मैं प्यूरी की फॉर्म में बना लेती हूँ, तो पहले से अगर प्यूरी हो तो आने वाले 2 या 3 दिनों के अंदर मैं पालक जो है उसको पालक पनीर या कुछ सब्ज़ी बना लूँगी. मिर्च साफ़ करके रखती हूँ मैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड को और मुझे खाने के साथ हरी मिर्च लेना बहुत पसंद है. एंड गाइज, नाउ कमिंग ऑन टूवर्ड्स द स्नैक्स पार्ट. सो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी वीडियो के शुरुआत में दिखाया कि मैं अपने मेजर मील्स की कुकिंग प्रॉपर करती हूँ. कमिंग ऑन टू द स्नैक्स, तो मैं स्नैक्स में ऐसी कोई कुकिंग नहीं करती. स्नैक्स हमारा मोस्टली फ्रूट्स रहता है, नट्स रहता है, या कोकोनट वाटर, सीरियल रहेगा, समटाइम्स मैं एग सॉटे कर लेती हूँ, तो इस तरह से स्नैक्स रहता है. और आई थिंक मील प्लान कंप्लीट नहीं होता किसी फैमिली का जब तक फैमिली की स्पेशल चटनी रेसिपी शेयर ना हो. यहाँ मैं आपसे अपनी मॉम की स्पेशल एंड इजी चटनी रेसिपी शेयर कर रही हूँ. यहाँ मैंने फ्रेश हरा धनिया लिया है, एक मीडियम साइज़ टमाटो लिया है, और फ्रेश मिंट लीव्स ले लें आप, मेरे पास अवेलेबल नहीं थी, तो आप 5-6 फ्रेश मिंट लीव्स भी ले लें. ऑल्सो 7-8 ग्रीन चिलीज ली हैं और 4 गार्लिक क्लोव्स ली हैं. नाउ एड सम सॉल्ट प्लस सम हींग प्लस रेड चिली पाउडर प्लस धनिया पाउडर, दैट्स इट. सारी चीज़ें ऐड करके, इसमें पानी ऐड नहीं करना है, टमाटो अपना पानी रिलीज करेगा, उससे चटनी में जो है स्मूथनिंग आ जाएगी. एंड मेक अ चटनी आउट ऑफ इट, इट टेस्ट सुपर सुपर टेस्टी गाइज, यू मस्ट गिव इट अ ट्राई. मेरे कहने से एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा. एंड अब चलते हैं कि मैं अपनी ग्रॉसरी शॉपिंग जो है वो कैसे करती हूँ. सो ग्रॉसरी जाने से पहले आई क्रॉस चेक माई फ्रिज वंस. ऑल्सो मैंने अपने फ्रिज पे एक नोटपैड लगा रखा है, उस पर मैं हमेशा लिख देती हूँ जो चीज़ें फिनिश हो गई हैं, नेक्स्ट ग्रोसरी में बाई करनी है, तो मैं उसे भी क्रॉस चेक कर लूँगी. और कौन से स्टोर से कौन सा सामान लेना है ये मैं स्लिप्स पर लिख लेती हूँ, एंड देन आई गो. और मैं ग्रोसरी बाई करने के लिए कोई भी फाइल्स, फोल्डर्स या मास्टर लिस्ट यूज़ नहीं करती हूँ, इट्स नॉट अ प्रैक्टिकल अप्रोच फॉर मी. आई हैव एन आइडिया इन माई माइंड वॉट माई फैमिली ईट्स इन अ वीक, सो आई डू द ग्रोसरी अकॉर्डिंगली. ऑल्सो आई नो वॉट फ्रूट्स आई हैव टू बाय, वॉट वेजिटेबल्स आई हैव टू बाई, so this actually works for me. There is no master list, no files and folders. So guys, coming on to the weekend part now, I keep my weekends little relaxed. कभी हम कोई नया फूड ट्राई करते हैं, जैसे कि यहाँ मैं ये नया सैलेड ट्राई कर रही हूँ. कभी हम कोई नया रेस्टोरेंट ट्राई करते हैं, इस बार हमने एक नया इंडियन रेस्टोरेंट है वो ट्राई किया. समटाइम माई हस्बैंड डू द कुकिंग, समटाइम फ्रेंड्स के साथ कोई गेट टुगेदर हो जाता है, एंड समटाइम्स वी ईट आवर स्पेशल मसाला मैगी विच इज़ आर वीकेंड स्पेशल. और वीकेंड्स आर लाइक दिस गाइज. और मैं सोच रही हूँ कि फ्यूचर में वीकेंड का भी कुछ प्री प्लान बनाऊँ, क्योंकि वीकेंड्स में समटाइम्स ऐसा होता है कि हस्बैंड इज़ बिजी एंड किड्स आर गिविंग हार्ड टाइम, तो मेरे लिए सोचना डिफिकल्ट हो जाता है क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ. सो मैं वीकेंड का भी कुछ प्लान बनाने का सोच रही हूँ. लेट सी हाउ इट वर्क्स आउट, विल लेट यू नो गाइज इफ इट हैपन्स. ऑल्सो आई फॉरगॉट टू मैंशन यू गाइज दैट एवरी डे आफ्टर डिनर हम लोग एक एक ग्लास दूध पीते हैं, तो ये हमारी एवरी डे की हैबिट है. वी मेक श्योर कि सोने से पहले हम सब लोग दूध पी के तब सोएं. और एट द एंड मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि मेरे मील प्लान में यहाँ मैंने एक बार में एक दिन के लिए ही प्लान बनाया है, क्योंकि मुझे अगर इससे ये फ़ायदा है, अगर मेरे शेड्यूल में कोई चेंज भी आता है,
तो वो प्लान मैं नेक्स्ट डे के लिए शिफ्ट कर सकती हूँ। इससे मेरे फूड या वेजीज की कोई वेस्टेज भी नहीं होगी। आई होप आप लोगों को मेरा मील प्लान अच्छा लगा हो। लेट मी नो योर रिव्यूज़ अबाउट इट, और आपके पास कुछ अच्छे अच्छे सजेशंस आइडियाज़ हों तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, सो दैट वी ऑल आर लर्निंग समथिंग फ्रॉम ईच अदर। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय, टेक केयर। ऑल्सो आप लोगों में से कुछ लोग इंस्टाग्राम आईडी पूछ रहे थे तो मैं यहाँ मेंशन कर दूँ, इंस्टाग्राम आईडी है गौरा सिंह 28, और मैं यहाँ मेंशन कर दे रही हूँ स्क्रीन पे। बाय गाइज़।